नमस्कार दोस्तों, बटनेरा आईएएस में आपका स्वागत है। भारत सरकार की योजनाओं में एक अगली योजना प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाम से ही पता चल रहा है किन लोगों के लिए होगी भाई, लघु व्यापारियों के लिए। और क्या होगी मानधन योजना, मान दिलाना है, सम्मान दिलाना है। किसके माध्यम से दिलाना है? धन के माध्यम से। और यदि भारत सरकार यदि धन दे सकती है तो किस रूप में दे सकती है भाई? पेंशन के रूप में दे सकती है। तो भारत सरकार ने जो लघु व्यापारी हमारे हैं, छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी किन्हें कहेंगे? वे लोग जो दुकानदार हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, मान लो मिल के मालिक हैं, मिल कौन सी भी हो सकती है, जैसे कि आटा मिल, आटा चक्की जिसे हम कहते हैं, आटा चक्की हो गई, आटा चक्की के मालिक, तेल मिल यदि कोई है, तेल मिल के मालिक, या कोई भी अपना स्वयं का काम करने वाले, सब रोजगार वाले जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को हम कह सकते हैं लघु व्यापारी। तो ऐसे जो लघु व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, जब वे लोग रिटायर होने वाले हो जाते हैं, कहने का मतलब 60 साल के हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, तब उनके लिए ये काम कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके लिए काम कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, तब उनकी इनकम का सारा सोर्स जो है, हर तरह के तरीके जो हैं सोर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त भारत सरकार ने कहा कि यदि आपकी इनकम के सोर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब आप काम करने लायक यदि नहीं रहते हो, तो हम आपको ऐसे तो नहीं रहने देंगे, हम आपको क्या देंगे भाई? पेंशन देंगे। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये किसके लिए है? लघु व्यापारियों के लिए है, उनको मान सम्मान देने के लिए है, पेंशन देने के लिए है। पेंशन की यदि हम बात करते हैं तो आपको बताएं भारत के अंदर पेंशन कब मिलती है भाई? जब आपकी उम्र कितनी हो जाती है? 60 साल की उम्र। तो भारत सरकार ने कहा है जितने भी लघु व्यापारी हैं उनको हम पेंशन देंगे। और कितनी पेंशन देंगे? 60 साल के बाद हम पेंशन देंगे। कितनी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसकी हम बात करते हैं। ये जो पेंशन योजना है इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं। पहला तो ये पेंशन योजना क्या है भाई? स्वैच्छिक योजना है। पहला तो ये पेंशन की योजना क्या है? स्वैच्छिक योजना है। और दूसरा ये जो पेंशन योजना है ये है अंशदायी। तो स्वैच्छिक का मतलब क्या है और अंशदायी का मतलब क्या है, हम इसकी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं अंशदायी कैसे है। अंशदायी का मतलब हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आपको कुछ ना कुछ पैसा इसके अंदर जमा करवाना पड़ेगा। आप पैसा जमा करवाओगे, जितना पैसा आप जमा करवाते जाओगे उसी पैसे का कुछ ना कुछ अंश आपको पेंशन के रूप में बाद में दे दिया जाएगा। जितना रुपया आपने जमा करवाया उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको पेंशन के रूप में बाद में दे दिया जाएगा। यही है अंशदायी का मतलब कि आपको रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, खुद को आपको रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। कितने जमा करवाने पड़ेंगे अभी हम देखते हैं। दूसरा अंशदायी का मतलब ये निकाला जा सकता है कि आप रुपए जमा करवा रहे हो, जितने रुपए आप जमा करवा रहे हो उतना ही अंश भारत सरकार भी जमा करवा रही है, या उतना ही अंश कोई राज्य सरकार भी जमा करवा रही है, और आपको लास्ट में जितने रुपये इकट्ठे हो जाएंगे उसका थोड़ा थोड़ा अंश आपको दे दिया जाएगा पेंशन के रूप में। तो इसके अंदर दोनों ही बातें हैं, आपको रुपये भी जमा करवाने हैं, जितना आप जमा करवाओगे कुछ अंश किसके द्वारा जमा करवाया जाएगा भी, कुछ अंश सरकार के द्वारा भी जमा जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया कौन सी योजना? अंशदायी योजना। अब आपको समझ आया होगा स्वैच्छिक क्यों है, कंपलसरी क्यों नहीं है, फाउंडेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको खुद को रुपए जमा करवाने हैं। यदि खुद को रुपए आपको जमा करवाने हैं, आपको किस्त जमा करवानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता कि आपने रुपए जमा करवाने ही करवाने हैं। यदि आप चाहते हो कि जब हम 60 साल के हो जाएं और 60 साल के होने के बाद हमें पेंशन मिले, तो आप क्या कर सकते हो भाई, इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इसलिए जो पेंशन योजना है स्वैच्छिक भी रखी गई है और दूसरी कैसी है भाई? अंशदायी है। अब हम देखते हैं इसके अंदर अंश कितना देना होगा, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत किसके द्वारा की गई, इन सभी बातों की भी हम जानकारी लेते हैं। हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने बनाई थी वीडियो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। एक हमने वीडियो और बनाई थी, आप पीछे जाके देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना, दोनों ही योजनाएं बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं, क्योंकि वो भी पेंशन योजनाएं थी, ये भी पेंशन योजनाएं हैं। आप दोनों वीडियोज देखना और दोनों वीडियोज के अंदर कंपेरिजन करना कि क्या क्या दोनों के अंदर अंतर है और क्या क्या दोनों के अंदर समानताएं हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की। इस योजना के अंदर जब व्यापारी 60 साल के हो जाएंगे तब व्यापारियों को क्या दी जाएगी भाई, पेंशन दी जाएगी। मैंने बता दिया पेंशन कैसी है, पेंशन हमारी अंशदायी पेंशन है, पेंशन हमारी स्वैच्छिक पेंशन है। कहने का मतलब जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको कुछ न कुछ पैसा इसके अंदर जमा करवाते रहना पड़ेगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा बकायदा और आपको अपने अकाउंट के अंदर कुछ न कुछ पैसा जो है वो जमा करवाते रहना पड़ेगा। उसके बाद जितना रुपया आपका जमा हो जाएगा 60 साल की उम्र तक, उसी रुपये का कुछ ना कुछ भाग जो है आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अंशदायी योजना। और दूसरा क्या नाम इसका है, स्वैच्छिक योजना। यदि हम बात करते हैं इस योजना की शुरुआत होने की, तो शुरुआत होती है इस योजना की 5 मार्च 2019 को। 5 मार्च 2019 को जैसे ही हमारा बजट पेश होता है, बजट पेश होने के जस्ट बाद योजना की शुरुआत कर दी जाती है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। अगर शुरुआत की हम बात करते हैं तो शुरुआत इसकी होती है 5 मार्च 2019 को। यदि हम बात करते हैं घोषणा की, तो इसकी घोषणा की जाती है 1 फरवरी 2019। और 1 फरवरी 2019 आपको अच्छे से याद होगा, ये वो दिन था जब भारत का अंतरिम बजट पेश किया जा रहा था। तो जब भारत का अंतरिम बजट पेश किया जा रहा था 2019 का, उस वक्त इस योजना की घोषणा की जाती है। और घोषणा किसके द्वारा की जाती है भाई, पीयूष गोयल ने इस बार हमारा अंतरिम बजट पेश किया था। तो हमारे केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त, उन्होंने बजट पेश किया था पीयूष गोयल, उनके द्वारा इस योजना की घोषणा की जाती है और शुरुआत हो जाती है इसकी 5 मार्च 2019 को। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए योग्यता क्या रखी गई है, पात्रता क्या रखी गई है। योजना की हम बात करते हैं तो इस योजना के अंदर योग्यता केवल वो किसान भाग, वो जो लघु व्यापारी हैं, केवल वही लघु व्यापारी भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र आज के टाइम में 18 साल से लेके 40 साल के बीच में है। 18 से 40 साल के लोग ही भाग ले सकते हैं। 18 से 40 साल के आगे के लोग हैं, 18 से छोटे लोग जो हैं वो भाग नहीं ले सकते, और 40 साल के बड़े जो लोग हैं वो इसके अंदर भाग नहीं ले सकते। और इस योजना के लिए आय की जो आपकी लिमिट है वो भी फिक्स कर दी गई है। आय जो आपकी है, आय फिक्स नहीं की गई है, आपका टर्नओवर फिक्स कर दिया गया है कि आपका टोटल जो बिजनेस है वो बिजनेस फिक्स कर दिया गया है कि आपका बिजनेस एक निर्धारित अवधि जो है, निश्चित अवधि, निश्चित राशि जो है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, होना चाहिए। और वो कह दिया गया कि एक साल के अंदर आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आपका साल का टर्नओवर होता है कुल बिजनेस, लाभ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बात हो रही है कुल बिजनेस या कुल लेन देन। जरूरी नहीं कि आपको लाभ इतना होगा, इस लेन देन के अंदर आपको 1% भी लाभ हो सकता है, बहुत कम लाभ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुल बिजनेस की बात की गई है या कुल टर्नओवर की बात की गई है। यदि आपका कुल बिजनेस जो है एक साल का 40 करोड़ रुपए से कम यदि है तो आप इस योजना के तहत भागीदार हो सकते हो। साथ ही साथ कह दिया गया यदि आप इनकम टैक्स पेयर हो, यदि क्या हो, इनकम टैक्स पेयर हो या आप करदाता हो तो आप इस योजना के अंदर भाग नहीं ले सकते। तो ये कंपल्सन है कि आपकी जो इनकम है 40, आपका जो कुल बिजनेस है वो 40 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक लिमिटेशन और लगा दी गई कि आप भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई किसी भी तरह की पेंशन योजना के अंदर आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब आपको पहले से किसी भी तरह की कोई भी पेंशन नहीं मिल रही हो। तो आप यदि कोई भी पेंशन यदि पहले से ले रहे हो या किसी भी पेंशन स्कीम के अंदर आप यदि आ रहे हो तो आप इस योजना के तहत लाभदारी नहीं हो सकते हो। तो 4 योग्यताएं हैं। पहली योग्यता आयु संबंधी है, आयु कह दी गई 18 साल से लेके 40 साल आपकी आयु हो सकती है, इससे ज़्यादा आपकी आयु नहीं हो सकती। दूसरा कह दिया गया कि जो हमारा वार्षिक टर्नओवर है आपका या आपका कुल बिजनेस है एक साल का, वो आपका बिजनेस कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 करोड़ हो सकता है। यदि 40 करोड़ से ज़्यादा आपका बिजनेस है तो भी आप इस योजना के लिए लाभकारी नहीं हो सकते हो। तीसरा कह दिया गया
कि यदि आप टैक्स पेयर हो, यदि आप टैक्स देते हो, करदाता हो, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और चौथा कह दिया गया कि यदि आप राजस्थान राज्य सरकारों के द्वारा या आप भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी तरह की यदि पेंशन योजना का आप लाभ उठा रहे हो, तो भी आप इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं हो सकते हो। इस योजना के तहत आपको लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आप सभी ये योग्यताएं पार करते हो, सभी योग्यताओं के अंदर आप आते हो, तो आपको पेंशन दी जाएगी। और पेंशन कितनी दी जाएगी, मैंने बताया अंशदायी योजना है, पहले बता चुका हूँ अंशदायी योजना है, और साथ ही साथ कैसी योजना है, स्वैच्छिक योजना है। तो जितना आप रुपए जमा करवाओगे उसका कुछ अंश आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। और पेंशन कितनी दी जाएगी, पेंशन इसके अंदर फिक्स की गई है कि आपको पेंशन दी जाएगी 3000 रुपये मंथली। लगभग आप भारत सरकार की कोई भी पेंशन योजना देखोगे उसके अंदर आपको यही किस्त मिलेगी 3000 रुपये मासिक। तो पेंशन दी जाएगी वो फिक्स कर दी गई है, आपको मिलेगी 3000 रुपये मासिक, नहीं 3000 मासिक से कम, नहीं 3000 रुपये मासिक से ज़्यादा, 3000 रुपये ही मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, भी पहले योगदान राशि देनी पड़ेगी। और योगदान राशि कितनी देनी पड़ेगी, मैंने जैसे बताया आप 18 साल से लेके 40 साल तक का यदि कोई व्यापारी है तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो योगदान राशि जो है 18 साल के व्यक्ति के लिए अलग योगदान राशि है, 40 साल के व्यक्ति के लिए अलग योगदान राशि है। जो 18 साल का व्यक्ति है उसको योगदान जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 55 रुपये प्रति माह। आप माह याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 55 रुपये प्रति माह के तहत योगदान देना पड़ेगा। और यदि कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उसको देने पड़ेंगे 220 रुपये प्रति माह। न आप इससे कम दे सकते हो, न ही आप इससे ज़्यादा दे सकते हो। और यदि आप इतने रुपए जमा करवाते रहोगे तो आपके जब 60 साल आपके जब हो जाएंगे तो 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन मिलेगी आपको 3000 रुपये मासिक। इतनी पेंशन मिलेगी जब आप कितने हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे। अब बात आती है कि मान लो एक इंसान ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी 60 साल का नहीं हुआ, उसने इस योजना के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और वो महीने के महीने चाहे इतने रुपए, 55 रुपये चाहे हम 220 रुपये की बात करें, महीने के महीने वो अपनी किस्त जमा करवा रहा है। और किस्त जमा करवाते करवाते 60 साल का अभी नहीं हुआ, 60 साल का होने से पहले ही उस व्यक्ति को स्थायी अपंगता आ गई है। स्थायी अपंगता कुछ ऐसा हो जाता है, उसे रोग हो जाता है कोई, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, भी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, स्थायी रूप से दिव्यांग वो हो चुका है। अब वो आगे कमा नहीं सकेगा, यदि कमा नहीं सकेगा तो इस पेंशन योजना के तहत अब किस्त कैसे जमा करवाएगा, किस्त जमा करवाने के लिए पैसे चाहिए ना, अब किस्त जमा कैसे करवाएगा, ये अब उसके पास सोर्स नहीं है इनकम का, इसलिए वो किस्त जमा नहीं करवा सकता। यदि उसको स्थायी अपंगता हो चुकी है तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो उसका कोई ना कोई जीवन साथी होगा। यदि उस व्यक्ति का जीवन साथी है, चाहे उसका जीवन साथी उसकी वाइफ है, चाहे उसका जीवन साथी उसका हस्बैंड है, यदि उसका जीवन साथी है तो उस जीवन साथी के पास ऑप्शन है कि आप मासिक की ये जो योजना है ये अपने नाम से ट्रांसफर करवा सकते हो, और जो किस्त भरनी है मासिक किस्त अब उसका जीवन साथी भरना शुरू कर दे। यदि जीवन साथी उसकी किस्त भरता रहेगा, जीवन साथी जब तक 60 साल का हुआ तब तक वो किस्त भरता रहे, उसके बाद उसके जीवन साथी के नाम से ट्रांसफर ही हो जाएगी एक हिसाब से, और जब उसके 60 साल पूरी हो जाएंगे तो उसको 100% राशि जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी पेंशन की। कहने का मतलब उसके जीवन साथी को रुपये मिलेंगे कितने, 3000 रुपये। कब, यदि जिसने अप्लाई किया था वो व्यक्ति स्थायी रूप से क्या हो चुका है, अपंग हो चुका है। दूसरी कंडीशन, यदि उसका जीवन साथी नहीं है, यदि जीवन साथी है तो जीवन साथी इस योजना को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन यदि जीवन साथी है ही नहीं, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका यदि जीवन साथी नहीं है तो अब तक उसने जितने रुपये जमा करवाए हैं, लाभार्थी ने अब तक जितने भी रुपये जमा करवाए हैं वो सारे के सारे रुपये ब्याज सहित उसको वापस कर दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे रुपए वापस किए जाएंगे, और कैसे वापस किए जाएंगे भाई, ब्याज सहित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्याज भी आपको दिया जाएगा, आपको पैसा तो दिया ही जाएगा, आपका पैसे के साथ साथ आपको वापस ब्याज भी दिया जाएगा, ब्याज सहित आपके रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। अब हम अगली कंडीशन के ऊपर जाते हैं। मान लो व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग नहीं हुआ,
व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु ही होगी। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु यदि 60 साल से पहले हो जाती है, व्यक्ति की क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। तो मृत्यु में हम दोनों केस देखेंगे। पहला केस, मृत्यु हो जाती है 60 साल से पहले। यदि 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, और 60 साल के बाद यदि मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। यदि 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तब भी हम दोनों केस देखेंगे, उसका जीवन साथी है और जीवन साथी नहीं है। 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन साथी जो है अभी तक जिंदा है, यदि उस व्यक्ति का जीवन साथी अभी तक जिंदा है और वो व्यक्ति चाहता है, उसका जीवन साथी जो है वो चाहता है कि इस योजना को मैंने कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, तो वो अपने नाम से ये ट्रांसफर करवा सकता है, ये उसके नाम से स्थानांतरित हो जाएगी योजना। और यदि योजना स्थानांतरित हो जाती है एक बार, तो उसके जीवन साथी को जब 60 साल का वो हो जाएगा उसके बाद 100% रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब जो योजना की किस्त है, जो पेंशन है, 3000 रुपये मिलेंगे। दूसरा, यदि हम बात करते हैं उस व्यक्ति का जीवन साथी नहीं है, जीवन साथी है तो उसके पास ऑप्शन है, लेकिन अब उस व्यक्ति का जीवन साथी है ही नहीं, वो व्यक्ति खुद है, उस व्यक्ति खुद की मृत्यु हो चुकी है, जो लाभार्थी होना था उसका जीवन साथी है ही नहीं, यदि ऐसी सूरत हो जाती है तो ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले और ये पैसे चले जाएंगे भारत सरकार के संचित निधि के अंदर, CIF आपने सुना होगा। तो भारत सरकार की जो संचित निधि है उसके अंदर रुपये चले जाएंगे, ये रुपये किसी भी सूरत के अंदर किसी को भी नहीं मिलने वाले। ये तो बात तब थी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 60 साल से पहले। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है 60 साल के बाद, 60 साल से पहले मृत्यु नहीं होती, 60 साल के बाद मृत्यु होती है। कहने का मतलब तब मृत्यु होती है जब उसको पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। यदि 60 साल के बाद मृत्यु होती है तो उसके अंदर भी पहला केस ये है कि उस व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो जिंदा हो। यदि उस व्यक्ति का जीवन साथी जिंदा है तो योजना उस व्यक्ति को, जीवन साथी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, और उसके जीवन साथी को पेंशन मिलती है 50% पैसे, कहने का मतलब 1500 रुपये प्रति माह उसके जीवन साथी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो जिंदा नहीं है तो जितने भी रुपए जमा है उतने के उतने रुपए सारे के सारे भारत की संचित निधि के अंदर जमा हो जाते हैं और पेंशन योजना जो है आपकी वहीं की वहीं बंद हो जाती है। भारत का जो संचित निधि है उसके अंदर रुपए आपके जमा हो जाएंगे और आपकी पेंशन योजना जो है वहीं पर बंद हो जाएगी। इस योजना के तहत या पेंशन योजनाओं के तहत केवल जीवन साथी ही इसका लाभ उठा सकता है, बच्चे जो हैं वो लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये थी हमारी योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।